हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम एस के श्रीवास्तव फ्रॉम द बेस्ट इंग्लिश क्लासेज सीतामढ़ी। माय स्टूडेंट्स, एज यू नो इन प्रीवियस क्लासेज वी हैव स्टडीड अबाउट लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकेंड, आई मीन इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस लेक्चर फर्स्ट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस लेक्चर सेकेंड पढ़ चुके हैं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टीच इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस लेक्चर थ्री। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। आपको पता है कि हम लोग टाइम एंड टेंस के बारे में कर रहे स्टडी, हम लोग टाइम एंड टेंस के बारे में कर रहे स्टडी। तो मेरा मानना है क्या कि आज का जो क्लास होगा वो हम इंट्रोडक्शन में नहीं ले जाएंगे, थोड़ा सा इसके बाद क्लास को हम आगे भी बढ़ाएंगे। ये रहा हमारा टाइम एंड टेंस, चीज़ों को आप समझ रहे हैं। अब यहाँ देखिएगा हम क्या कहने वाले हैं आपसे। आपको हम बता चुके हैं, आप चीज़ों को समझते हैं कि ये जो हमारा टाइम है इसका मतलब होता है टाइम कंसर्न मीनिंग ऑफ सेंटेंस। आपका जो टाइम है, टाइम कंसर्न मीनिंग ऑफ सेंटेंस, ये जो आपका टाइम है ये सेंटेंस का जो मीनिंग है उसको कंसर्न करता है। और इस टेंस के बारे में आपको हम बता चुके हैं, एक बार नहीं कई बार आपको बता चुके हैं कि टेंस कंसर्न द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, SENTENCE, मतलब ये आपके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कंसर्न करता है। चीज़ें क्लियर है? चूंकि ये तो आपको फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में बात करता है, फॉर्म ऑफ वर्ब्स के बारे में बात करता है, और आप चीज़ों को जानते हैं वर्ब डिसाइड करता है। ये जो आपका वर्ब ये करता है डिसाइड कि दिया गया आपका सेंटेंस वह किस टेंस में है। चीज़ें क्लियर है? इतना आप जानते हैं। अगर आप लेक्चर फर्स्ट एंड लेक्चर सेकेंड टेंस का नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। अब हम कहानी को बढ़ाते हैं आगे। चलिए, अगर इसके बाद हम आगे बात करें तो बहुत सारे बुक में लिखा गया है टेंस तीन प्रकार के होते हैं, बहुत सारे बुक में टेंस चार प्रकार के होते हैं, और अब मॉडर्न में टू टाइप्स है टेंस का। तो अब आप बोलिएगा सर ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले आपको हमें चाहेंगे बताना, अगर आप साइंस के बच्चे हैं तो आप पढ़े हुइएगा 9th में 10th में कि PT मतलब पेरियोडिक टेबल आवर्त सारणी का सबसे पहले किसने किया था आविष्कार? लबवाजे ने। इसके बाद डोरवेनर, इसके बाद न्यूलैंडस, इसके बाद मेंडलिव, इसके बाद मोसले। मतलब ये कि, और अगर बात किया जाए मोसले के बारे में तो उस आवर्त सारणी में भी क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी मतलब मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में भी उसका भी दोष है। तो जैसे जैसे मनुष्य का, ह्यूमन बींग का माइंड जो है डेवलप होता है वैसे वैसे सुधार की जाती है, चीज़ों को इम्प्रूव किया जाता है। पहले क्या था कि टेंस को कैटेगराइज किया गया था चार पार्ट में, इसमें से एक को नाम दी, एक नाम था आपका मॉडल। मॉडल को कहा गया था टाइमलेस, मतलब मॉडल जो है ये मूड को दिखाता है और इसको टाइम से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। ये बात आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो देखिएगा MBA पब्लिकेशन का एक बुक आती है अजय कुमार सिंह जो लिखे हुए हैं, उनको करेंगे स्टडी आप तो यहाँ मिल जाएगा आपको। अगर आगे बात किया जाए तो इसके बाद आपको टेंस मिला तीन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। लेकिन अब जो है आपके मॉडर्न बुक में, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में टेंस केवल दो ही है। तो ऐसा क्यों किया गया, इसका क्या कॉज है, इसका क्या रीज़न है, हम इसके बारे में चाहेंगे आपसे बात करना, और इसके बारे में बात करने के बाद कहानी को आगे बढ़ा देंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो आपको ये बात पता है, इन चीज़ों के बारे में आपको हम बता चुके हैं कि आपका जो टेंस है इसका जन्म हुआ है वर्ब से, और वर्ब के बारे में आप जानते हैं वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स समथिंग हैपनिंग या डूइंग या बीइंग एक्सप्रेशन। मतलब आपका जो वर्ब है इससे कुछ करना, होना या किसी चीज़ के, किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था को दिखाया, दर्शाया, बताया जाता है। चीज़ें क्लियर है? अब आप आगे आ जाओ, आपको हम बताए हैं, अब हम अभी बात करेंगे आपसे कि आखिरकार आपके मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आपके जो ग्रामेरियन हैं उन्होंने टेंस को कैटेगराइज किया है
केवल टू पार्ट्स में। अब ये टू पार्ट्स में मतलब कि क्यों किए हैं, वो कौन कौन है, तीसरा पार्ट को क्यों छांट दिए हैं वो देखिएगा। आप जानते हैं ये रहा आपका टेंस। तो आप अगर खोलोगे डॉक्टर अजय कुमार सिंह का, जिसका आती है मिरर ऑफ कॉमन एरर, बहुत बड़े राइटर है पटना यूनिवर्सिटी से, तो आप उनको पढ़ोगे, उनके उनके बुक का नाम है ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर। तो ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर का जो पहला पेज होगा उसको पढ़ोगे आप, तो मिलेगा कि आपको जो टेंस है ये दो ही प्रकार का है मॉडर्न में, एक आपका हो गया प्रेजेंट और आपका क्या हो गया पास्ट। मतलब ये कि फ्यूचर में, सॉरी फ्यूचर टेंस को इसमें किसी प्रकार का कोई जगह नहीं दिया गया। अब ऐसा क्यों किया गया है पहले आप ये समझिए। तो इन चीज़ों को समझाने के लिए हम बात करेंगे आपसे, बात कहाँ करेंगे, तो हम आएंगे टेंस के पास। और अगर टेंस के पास आएंगे तो आपको ये बात पता है, टेंस के बारे में आप जानते हो बेहतर तरीके से, आप जानते हो कि ये जो हमारा टेंस है इसका जन्म हुआ है वर्ब, वर्ब से। और अगर इससे आगे बात करें तो आपका जो वर्ब है, आपका जो वर्ब है ये रहा हमारा वी वन, ये रहा हमारा वी टू, ये रहा हमारा वी थ्री, एंड ये रहा हमारा वी फोर, एंड ये रहा हमारा वी फाइव। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि वर्ब का पांच फॉर्म होता है, बहुत सारे बुक में ऐसा लिखा गया है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे फॉरेनर क्या बोलते हैं फॉरेनर इंग्लिश ग्रामेरियन के द्वारा लिखा गया बुक, तो वहाँ मिलेगा आपको कि आपका जो वी टू है, आपका वी थ्री है, आपका वी फोर, आपका वी फाइव है, ये आपके वी वन का डिराइव्ड फॉर्म है। समझने के लिए इसको हम बोलते हैं कि ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। चीज़ें क्लियर है, बात की बात है। आप यहाँ पे आ जाओ, दुनिया के किसी मोड़ पे कहीं भी अगर आप पढ़ते हो वर्ब के बारे में, तो आपको पता है, आप जानते हैं कि वी वन को हम बोलते हैं वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म, मतलब कि सॉरी इसको हम प्रेजेंट, इसको बोलते हैं पास्ट, एंड इसको बोलते हैं परफेक्ट, एंड इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस, एंड इसको बोलते हैं प्रेजेंट। इस प्रेजेंट को बोलते हैं वर्ब का कौन सा फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, एंड इसको बोलते हैं सिंगुलर। चीजें क्लियर है, आप आगे आ जाओ। अब आप बोलोगे सर कि ये बात आपने बताया कि जो आपका टेंस है, टेंस कंसर्न मीनिंग ऑफ सॉरी टेंस कंसर्न द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, आपका जो टेंस है ये आपके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कंसर्न करता है। और आपको पता है जिंदगी के किसी भी मोड़ पे, एक दुनिया के किसी भी कोना में अगर आप पढ़ते हैं स्ट्रक्चर, तो उसमें क्या मिलता है, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, पहले हम आपसे ये बात कर ले कि स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन मतलब स्ट्रक्चर का निर्माण क्यों किया गया। तो स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है अरेंजमेंट, ए डबल आर एन जी, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के लिए। अरेंजमेंट का मतलब होता है सजावट, मतलब इस जैसे मान लीजिए इसका मतलब क्या होता है, मैं खाता हूँ या मैं पढ़ने जाता हूँ या आप पढ़ते हैं, तो होता क्या है, आप क्या बोलते हैं, आई गो टू स्कूल, आई रीड माई बुक, या आई गो टू मार्केट। आप इसमें क्या देख रहे हैं कि पहले आपका आ रहा है सब्जेक्ट, इसके बाद क्या आ रहा है वर्ब, और इसके बाद आपका क्या आ रहा है अदर वर्ड। चीज़ें क्लियर को देखते हैं। लेकिन अगर हम आपसे आगे बात करें, अगर आप ऐसा बोलते हैं तो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, और अगर उस सेंटेंस का नेचर अफर्मेटिव है मतलब पॉजिटिव है, तो उसमें पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। और आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के नेचर के अकॉर्डिंग ही वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सब्जेक्ट का जन्म कहाँ से होता है, तो आपको पता है कि आपका सब्जेक्ट कहाँ से आती है, नाउन से आती है या प्रोनाउन से आती है या नाउन का इक्विवेलेंट, वो कौन कौन सा है, तो जेरंड है, इन्फिनिटी है। जब बात करेंगे हम सब्जेक्ट के बारे में वहाँ बात करेंगे, लेकिन फिर भी अगर यहाँ बात करी दी है तो आप थोड़ा सुन लीजिए, ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसका जन्म होता है नाउन से, अगर आगे बात किया जाए तो प्रोनाउन से प्रोनाउन, और आगे बात किया जाए तो नाउन का इक्विवेलेंट, और नाउन के इक्विवेलेंट के बारे में आप जानते हैं। चीजें क्लियर है, नाउन के इक्विवेलेंट का मतलब होता है नाउन का समतुल्य। तो नाउन के समतुल्य के बारे में आप तब जानेंगे जब पढ़ेंगे आप इनफाइनाइट वर्ब। अब आप आई एन एफ आई एन आई टी,
जब कब बोलेंगे आप सर इनफाइनाइट वर्ब क्या होता है, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा वर्ब के पास, और वर्ब के पास आएंगे तो आप पढ़ेंगे कि वर्ब का दो होता है कैटेगरी, एक फाइनाइट और एक आपका इनफाइनाइट। तो फाइनाइट का मतलब होता है सीमित, मतलब लिमिट, मतलब ये कि द वर्ब विच कैन चेंज इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ, नेचर का मतलब ये हुआ कि जो आपका सब्जेक्ट है वह अपने नंबर पर्सन एंड टेंस के अनुसार चेंज कर लेता है, अपने आप को बदल लेता है, उसे बोलते हैं फाइनाइट, और जो नहीं करता है चेंज उसे बोलते हैं क्या, इनफाइनाइट। एक बार आप सब फिर से बात कर ले, जो हमारा फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब इज दैट विच कैन चेंज या विच कैन अग्री इट, मतलब कि जो अपने आप को बदल सकता है, अपने आप को चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द नंबर पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट, और जो ऐसा नहीं करता है उसे बोलते क्या, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का तीन कैटेगरी है, इसका तीन टाइप है, एक का नाम आपका आता है सामने क्या, जेरंड, एक आपका जेरंड है, दूसरा आपका क्या है, पार्टिसिपल है, और तीसरा आपका क्या है, तो तीसरा आपका है इन्फिनिटिव, जिसके बारे में हम, इस इन्फिनिटी के बारे में हम टेंथ में स्टडी नहीं करते हैं, इसमें हम करते हैं फाइनाइट के बारे में स्टडी। चलिए हम पहले आपसे बात करना चाहते हैं, एक बार फिर से बात करना चाहते हैं। देखिए हम चाहते हैं क्या कि किसी भी बात को पढ़ाए ही नहीं बल्कि उसको समझाए भी, अगर आप समझ जाइएगा तो क्या होगा, काम करने में मज़ा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ देखो, हम क्या बोले आपका कि हमारा क्लास आपका चल रहा है टेंथ का इंट्रोडक्शन, और आप जान रहे हैं कि जो हमारा टाइम एंड टेंस है इसमें टाइम पहले इसलिए आता है क्योंकि टाइम की प्रायोरिटी जो है सबसे ज़्यादा होती है, मतलब इनके अपेक्षा ज़्यादा होती है, इसलिए पहले आता है। और आपको ये बात पता हो गया है कि टाइम कंसर्न से मीनिंग ऑफ सेंटेंस एंड टेंस कंसर्न द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, चीज़ें क्लियर है। अगर आपसे आगे बात करें तो आपको जो टेंस है ये फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, और वर्ब के अकॉर्डिंग ही आप सेंटेंस जो है, सेंटेंस किस टेंस में है इस बात को भी डिसाइड कर पाते हैं। चलिए तो हमने क्या बताया कि आपका जो टेंस है ये पहले चार था, इसके बाद तीन हुआ, इसके बाद दो हुआ। कहिएगा चार कब था, तो आप पढ़ेंगे MBE पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वहाँ उनको लिखे हुए हैं अजय कुमार जी, बहुत बड़े राइटर हैं, उनको स्टडी कीजिएगा तो वहाँ मिलेगा आपको कि जो मॉडल को भी पहले टेंस के कैटेगरी में रखा गया, लेकिन उसका नाम क्या दिया गया, टाइमलेस। हालांकि आप उतना डिप में मत जाओ, अगर उसके आगे आइएगा तो आप ये पढ़े होंगे कि आपका जो टेंस है एक प्रेजेंट है, एक पास्ट है, और आपका एक क्या फ्यूचर है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आपके टेंस को कैटेगराइज किया गया है ओनली टू पार्ट में, फर्स्ट वन इज दैट, पहला आपका प्रेजेंट है, एंड सेकेंड वन इज दैट पास्ट है। चीज़ें क्लियर है, इसमें फ्यूचर नहीं है। अब इसमें फ्यूचर क्यों नहीं है, अब आपको ये हम चाहते समझाएं, तो इसके लिए कहाँ गए हम, तो आपको जो टेंस है इसका जन्म कहाँ से होता है, वर्ब से होता है। एंड यू नो वर्ब के बारे में आप जानते हैं कि वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स समथिंग हैपनिंग या डूइंग या बीइंग एक्सप्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे आगे बात किया जाए तो आपको जो वर्ब है ये पांच फॉर्म में पाए जाते हैं, हालांकि V2, V3, V4 and V5 ये V1 का क्या डिराइव्ड फॉर्म है। लेकिन अगर बात किया जाए कि V1 किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता है ये प्रेजेंट का प्लुरल फॉर्म, इसको पास्ट, इसको परफेक्ट, इसको कंटिन्यूअस, और इसको प्रेजेंट का सिंगुलर फॉर्म। चीज़ें क्लियर है, हम आपको ये भी बताएंगे कि इसको प्रेजेंट के प्लुरल फॉर्म का ही नाम क्यों दिया गया, इसका नाम पास्ट ही क्यों दिया गया, इसका नाम परफेक्ट ही क्यों दिया गया, इसका नाम कंटिन्यूअस ही क्यों दिया गया, और इसका नाम प्रेजेंट का सिंगुलर फॉर्म क्यों दिया गया। एक बात आपको हम ही बताएंगे, इसके नामकरण के बारे में बताएंगे, इस मतलब कि इतना समझ जाइए कि जो इनको लिखने वाले रिसर्चर हैं, जो इनको रिसर्च किए होंगे, जितना वो बताएंगे आपको उतना आपको हम भी बताएंगे। चीज़ें क्लियर हैं, अब आप आगे यहाँ जाओ। अगर आपसे हम आगे बात करें तो हम आपसे बात ये करने वाले थे कि हम बोले थे कि स्ट्रक्चर का जन्म क्यों हुआ है, स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है, तो आपको हम बताएं हैं कि इसका मीनिंग होता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अरेंजमेंट अपने आप में क्या है, यह नाउन है, जिस किसी वर्ड क्लास में आपका आता है MENT वह क्या होता है, नाउन होता है। बात को समझो आप, तो यहाँ पे आ जाओ, अरेंजमेंट का मतलब होता है सजावट, और किसी भी सेंटेंस को हम क्यों सजाते हैं, तो अगर नहीं सजाएंगे तो क्या होगा, कोई पहले
वह बोल देगा, पहले ऑब्जेक्ट बोल देगा, पहले सब्जेक्टिव बोल देगा, ये पहले सब्जेक्ट बोलेगा, इसके बाद बोलेगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्या बोलेगा आपका वर्ब। तो मतलब ये कि प्रॉब्लम हो गया आपको बोलने में। और जैसे मान लीजिए कि इसको यहाँ बोलते हैं एक, आप पाकिस्तान में कहेगा बमरू, हिंदुस्तान में क्या बोलते हैं, नेपाल में कहेगा ड्रमरू, और चीन में कहेगा आओ पहुँचाओ। मतलब इस टाइप से इसको बोलेगा आदमी तो आप हो जाएगा कन्फ्यूज। आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाओगे तो इसको वन ही बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं बोलते हैं। तो हम अगर आपसे बात करें तो हम आपको कहना ये चाहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स में हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को अरेंज करते हैं। किन चीज़ों को, तो सब्जेक्ट को, वर्ब को एंड ऑब्जेक्ट को। तो पहले क्या आपका आता है, सब्जेक्ट। पहले आपका सब्जेक्ट कब आता है, तो जब दिए गए सेंटेंस का नेचर अफर्मेटिव होता है। मतलब कैसा होता है, अफर्मेटिव के बारे में पढ़ाएंगे आपको हम, कि द सेंटेंस विच इज यूज टू डिनोट एन आइडिया फैक्ट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जो आपका है ये दो टाइप का होता है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। चीज़ें क्लियर है, आप आगे आ जाओ। तो हम क्या बोले कि पहले क्या आता है हमारा सब्जेक्ट। अब आपको हम ये बता दिए हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है इसका जन्म कहाँ से होता है, तो आपको पता है नाउन से होता है, प्रोनाउन से होता है और नाउन का इक्विवेलेंट। हालांकि धीरे धीरे पढ़ेंगे तो जाएंगे डीप में, अगर मैं डीप में जाऊंगा केवल इसी के बारे में हम बात करेंगे तो हमको लगता है ज़िंदगी आपकी कट जाएगी, लेकिन आप इसके बारे में नहीं सीख पाएंगे। सर क्या कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये कि आप किसी भी चीज़ के बारे में जितना करोगे स्टडी आपको उतना समझ में आएगा कि थोड़ा और अभी मुझे कुछ नहीं आता है। कहेगा सर क्या बात करते हैं इतना, हम तो मतलब कि बहुत सारे व्यक्ति तो बुक लिखे हुए हैं तो क्या वो भी कितना पढ़े होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, हम आपको कहना ये चाहते हैं कि एक छोटी से छोटी चीज़ों को रिसर्च करने के लिए जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं अपना पूरा ज़िंदगी पूरा लाइफ पढ़ते रह गए, इसके बावजूद भी पूरा परफेक्ट नॉलेज जो है नहीं दे पाए, तो दूसरे व्यक्ति जो है आकर के उन चीज़ों पर शोध किए और आज आपके सामने है। कहेगा सर आप कहना क्या चाहते हैं, हम आपको कहना ये चाहते हैं आप जितना पढ़ोगे आपको उतना फील होगा कि मुझे अभी कुछ नहीं आता है, मुझे अभी और पढ़ना है, मुझे अभी और पढ़ना है। यही कॉज है जो विद्वान होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अपने आप को सोने करते हैं कि मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। उनको रियल में समझ में आता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आई एम नथिंग, हम कुछ भी नहीं हैं, हम एक छोटा सा पार्ट है। समझे कि नहीं, आप इतना समझ जाओ आप जितना करोगे स्टडी किसी चीज़ के बारे में आपको उतना क्या लगेगा, थोड़ा और तब जाकर के बाद में जो है थोड़ा और करते करते जो है आप एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाते हैं कि आपका नाम पूरा वर्ल्ड जानता है, इतिहास के सुनहरे पन्नों में आपका नाम लिखा जाता है। अगर आप ये समझते हैं कि इसको हमको एग्जाम के लिए पढ़ना है तब तो कोई बातें नहीं है। आप तो देख ही रहे हैं बिहार में आपकी नीतीश सरकार की, मतलब नीतीश कुमार की सरकार है और एजुकेशन का क्या सिस्टम है, क्या माहौल है, हमसे बेहतर आप खुद जानते होइएगा। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि अगर आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो समय का क्या इंपॉर्टेंस है इसको आपको समझना पड़ेगा। टाइम वंस गो बैक नेवर कम बैक, मतलब ये कि समय अगर एक बार वापस चला जाएगा दोबारा कभी नहीं आता है। तो आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को समझिए। और हम पढ़वे करेंगे, हम पढ़ते ही हैं तो डीप में काहे नहीं पढ़ेंगे, अगर स्टडी करेंगे अच्छे से तो क्या होगा, लाइफ के रिस्क को अगर पढ़ते हैं तो कभी भी इसका इस्तेमाल करना होगा, कभी भी इसका यूज आएगा, तो बिंदास हम लोगों को समझा सकते हैं और इस नॉलेज के माध्यम से हमें कच्चे मुकाम पे जा सकते हैं। चलिए बात की बात, उत्तर क्या बात करें आपसे, आप फिलहाल ये समझो कि हमारा सब्जेक्ट है इसके इस मतलब इसका जन्म कहाँ से होता है, तो नाउन से होता है, प्रोनाउन से होता है, नाउन के इक्विवेलेंट से होता है। और अगर उससे आगे बात करें तो नाउन के इक्विवेलेंट का मतलब होता है नाउन का समतुल्य, मतलब जो काम नाउन कर सकता है वही काम नाउन के न रहने पर नाउन का इक्विवेलेंट भी कर सकता है। ये कहाँ से आती है, तो इनफाइनाइट वर्ब से आती है। ये क्या है, तो ये आपका असीमित क्रिया है। असीमित क्रिया क्या होती है, तो ये आपका वर्ब का एक पार्ट है, वर्ब का एक पार्ट है, मतलब पहला पार्ट है फाइनाइट, दूसरा आपका इनफाइनाइट है। फाइनाइट के बारे में आपको हम बोल चुके हैं, ये जो है अपने आप को सब्जेक्ट के नंबर पर्सन एंड टेंस के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेता है, जबकि ये नहीं करता है। और इसी का आपका पार्ट क्या है, जेरंड, इसी का पार्ट क्या आपका है पार्टिसिपल, और इसी का पार्ट क्या आपका है इन्फिनिटिव।
चीज़ें क्लियर है। अगर आपसे आगे बात करें तो हम इसके बारे में बाद में पढ़ते हैं कि जब हम जोड़ते हैं वी वन में आई एन जी तो ये आपका बनता है वी फोर, और जब आपका वी फोर आपके सेंटेंस में वर्ब के साथ साथ नाउन का भी काम करता है तब उसको हम बोलते हैं क्या, जेरंड। चीज़ें क्लियर है। इसी प्रकार से हम इस पार्टिसिपल के बारे में पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं इन्फिनिटी के बारे में पढ़ते हैं, तो इतना डीप में नहीं जाएंगे, जब पढ़ेंगे हम लोग वर्ब तब वहाँ बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ आपसे ये बात कर रहे थे कि अरेंजमेंट जो है क्यों किया गया, स्ट्रक्चर जो आपका वर्ड है ये क्यों आया, इसका क्या रीज़न है। तो आप चीज़ों को समझ गए होइएगा कि अगर स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स आपके सामने नहीं आता तो पहले आप सब्जेक्ट लगाते कि वर्ब लगाते कि ऑब्जेक्ट लगाते क्या लगाते, आप खुद ही होते कन्फ्यूज, ये सारा कॉज है। तो हम आपसे अगर आगे बात करना चाहेंगे तो ये रहा हमारा वी वन, ये हमारा वी टू, ये वी थ्री, ये वी फोर एंड ये वी फाइव। वी वन को बोलते हैं प्रेजेंट, इसको बोलते हैं पास्ट, ये रहा हमारा परफेक्ट, ये हमारा कंटिन्यूअस एंड ये हमारा क्या रहा प्रेजेंट का सिंगुलर फॉर्म। चीज़ें क्लियर है। कहेगा सर अब हमको समझ में आ रहा है कि टेंस का जन्म हुआ है वर्ब से, लेकिन कहीं भी हम देख ही नहीं रहे हैं कि वर्ब में कहीं भी फ्यूचर टाइम शो कर रहा है, मतलब कहीं भी फ्यूचरिटी जो है, फ्यूचरिटी मतलब कि फ्यूचर हमको कहीं दिखाई दे ऐसा कोई वर्ड जो है इसमें से कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। अब फ्यूचर वर्ड से हमारे माइंड में एक बात सामने आती है, अब वह बात कौन सा है हम चाहते आपको समझाए, देखिएगा। तो हम क्या बोले थे कि फ्यूचर वर्ड से आपके माइंड में एक बात आता है कि फ्यूचर जो आपका वर्ड है यह हमेशा फ्यूचर टेंस को शो करता है। इन चीजों को समझने के लिए हम आपके सामने दे रहे एग्जांपल। एग्जांपल क्या रहा आपका, एग्जांपल ये रहा कि कल टेस्ट मैच शुरू होगा, कल टेस्ट मैच, कल टेस्ट मैच शुरू होगा, शुरू होगा। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं, आपके दिमाग में तो ये आता है बात कि भाई बोले सर जी पर है रहो कि हिंदी के जिस वाक्य में क्रिया के अंत में गा गे की होता होता फ्यूचर टेंस, और वो कि जो हमारा टेंस है टेंस वह फ्यूचर नहीं है। हाँ लेकिन ये है कि इस सेंटेंस का जो टाइम है वो फ्यूचर है, वो फ्यूचर है। आप इस बात को हम पढ़ाएंगे आपको बताएंगे। आप जानते हैं कि यहां जो कल टेस्ट मैच शुरू होगा, आप अब यह मत समझिएगा कि जहां कहीं भी इस टाइप से गा के की लगा रहे तो आपका फ्यूचर होगा, इस टाइप की कोई बात नहीं है। जब हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज वहां पढ़ते हैं कि प्री प्लानेड, क्या बोलते हैं, प्री प्लानेड एक्शन को सूचित करने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका टेंस हमारा क्या प्रेजेंट है लेकिन टाइम क्या फ्यूचर है, इसलिए बोल रहे हैं बार बार कि टाइम आपका अलग है टेंस आपका क्या है अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। चीजें क्लियर है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम ये बात कर रहे थे कि आपका टेंस है वह दो है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। अब अगर बात किया जाए फ्यूचर की तो अगर हम अगर ऐसे बोलते हैं कि 10 साल बाद हम शादी करेंगे और मेरा हमको एक बेटा होगा और उस बेटा के नाम रखेंगे क्या बोलते हैं उसको, झगड़ू या मंगरू या मोदी या कुछ भी रखेंगे, तो सबसे पहले तो हम ये आपको बता दें कि इस बात की क्या गारंटी है कि 10 साल तक हम जीवित रहते करेंगे, हमारी शादी होवे करेगी और क्या बोलते हैं हमको नहीं मेरी बीवी को बेटा होवे करेगा, नहीं भी हो सकता है केवल बेटी हो सकता है या शादी नहीं होगा या मर ही जाएंगे, उसको बोलती इमेजिन। तो आपका फ्यूचर टेंस है इससे केवल इमेजिन किया जाता है, और इमेजिन मतलब ये इमेजिन करता है क्या, इमेजिन करने के लिए जो आपके ग्रामर में टॉपिक है वह इमेजिनेशन को दिखाने के लिए क्या दिया आपको, मॉडल, और मॉडल आपके मूड को दिखाता है, और एक ही मॉडल से आप प्रेजेंट टाइम को भी मतलब प्रेजेंट के मूड को भी पास्ट के भी और फ्यूचर के भी तीनों को दिखाते हैं, इसीलिए आपके मॉडल को इंग्लिश ग्रामर मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में जो है टेंस के अकॉर्डिंग फ्यूचर का रूप नहीं दिया गया। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर लिखते हैं सेंटेंस कि आई शैल गो टू पटना, हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा कि आई शैल गो टू पटना,
कि मैं पटना जाता हूँ। अब आई शैल गो टू पटना मैंने अगर यहाँ लिखा तो आपके माइंड में क्या आती है बात, यहाँ तो लिखा हुआ है शैल और यहाँ लिखा हुआ है गो, और शैल विल के बाद आपका आता है V1, तो ये आपका होता है फ्यूचर टेंस, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यही भी लिखूं कि आई कैन टीच यू, और अगर मैं यही पे लिखूं आई कुड नॉट टीच यू COULD, आई कुड नॉट टीच यू, तो यहां देखो तो क्या मिलने वाला है आपको मेरे भाई। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ के सेल का, यहाँ के कैन का, यहाँ के कुड के, ग्रामेटिकल प्रोफाइल को चेक करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि ये सब के सब आपका मॉडल है, ये सब के सब क्या आपका मॉडल है। और जानते हैं मॉडल क्या दिखाता है, आपके मूड को, मेंटेलिटी को, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पढ़ाएंगे आपको मॉडल, वहां बताएंगे कि नंबर ऑफ मॉडल जो है 13 है, इसमें से 3 आपका मार्जिनल है, कौन कौन है, तो कैन कुड मे माइट सेल शुड बिल वुड ऑट टू यूज टू नीड डेयर एंड मस्ट। चीजें क्लियर है। अब फिलहाल आप सब ये बात करेंगे कि आपका मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आपका टेंस दो ही है, फ्यूचर को हम लोग पढ़ते हैं इमेजिन करने के लिए जो काम भविष्य में होगा, अगर उसको गिनेंगे तब जाके होगा ये हमारा कितना प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर 3। आपका जो अगर बात करें टाइम का तो आपका टाइम 3 वो है, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। और अगर बात करें टेंस की तो इसमें आपका आता है क्या, सिंपल इंडेफिनिट एक आपका वो हो गया, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट दूसरा हो गया, तीसरा परफेक्ट, चौथा क्या परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो कितना आपका हो गया 4, और टेंस टाइम कितना गया आपका 3, 4 तिहाई 12, इसलिए आपका टाइम और टेंस दोनों मिला करके कितना है 12 है। कहिएगा आप सर क्या बतियाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कभी बोलते हैं कि पुरानका में था 4 टेंस, फिर बोलते हैं कि पुरान के ओकरा बाद हुआ 3 टेंस, फिर बोलते हैं क्या कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में होता है टेंस 2, तो टेंस होता है 2 और टाइम आपका 3, तो 3 × 2 = 6 होगा स्ट्रक्चर। नहीं आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, कोई भी एक्शन जो है आप उसको 4 तरीके से बांट सकते हैं। कहिएगा सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो आपको हम बताए हैं एक्शन जो आपका होता है उस एक्शन को कोई ना कोई करता है और करेगा उसको बोलेंगे सब्जेक्ट, और जब सब्जेक्ट के बाद हमारा आएगा एक्शन वर्ड मतलब बोल, तो क्या बन जाएगा हमारा एलिमेंट ऑफ वर्ड, और इससे बना क्या हमारा स्ट्रक्चर, और वह स्ट्रक्चर जो है कहाँ आएगा किसी न किसी टेंस में आएगा, और वह टेंस कोई ना कोई टेंस होगा, तो किसी भी टेंस में किसी एक ही सेंटेंस का किसी एक ही बात को कई तरीकों से कहा जाता है, उसी के अनुसार जो है आपका टेंस बटा हुआ। जैसे आप देख लीजिए हम यहां पे देखना चाहते हैं, हम यहां पे लिखे एक सेंटेंस, आपको अगर देखा जाए तो टेंस का जो सब काइंड चार हुआ इन चीजों को समझिएगा हम क्या कहना चाहते हैं आपको। जैसे मान लीजिए हम यहां पे लिखे क्या, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं, इसके बाद यहां मैंने क्या लिखा बच्चे, आई एम टीचिंग, चीजें क्लियर है, आई एम टीचिंग यू। अगर आगे बात करें आपसे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई हैव टॉट यू, और अगर इससे भी आगे बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, SINCEMORNING। अब आप दुनिया का कोई सेंटेंस ले लीजिए और उसको एक ही टेंस में रख के देखिए कि उसको कितने तरीके से आप बोल सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 4 तरीके से। यही कारण है कि हर एक टेंस का मात्र 4 सब काइंड है, जिसमें से इसका नाम दिया गया सिंपल, इसका नाम दिया गया प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट, इसका नाम दिया गया क्या परफेक्ट, और इसका नाम दिया गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यही कारण है कि एक टेंस का जब 4 सब काइंड है तो 3 का कितना आ जाएगा 12, तो 3 × 4 कितना आ गया 12, तो कुल मिला करके जो आपका टाइम है टेंस कितना है 12 है। अगर इस पर फिर करेंगे डिस्कशन तो हमको लगता है क्या
कि इतना